तो मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू IIM अहमदाबाद। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है IIM अहमदाबाद ये जो संस्थान है भारत का सबसे पॉपुलर, सबसे चहीदा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। हर एक बच्चों को लगता है कि मेरा जो MBA हो वो हो सिर्फ अहमदाबाद के IIM से ही। ये रैंकिंग के हिसाब से टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम MBA करना चाहते हैं। जब भी हम IIM अहमदाबाद के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और उस सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, वीडियो आप अंत तक देखिएगा और आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उसके जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जब भी हम MBA एडमिशन के बारे में सोचते हैं और वो भी IIM अहमदाबाद में, तो कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते होंगे, फीस रेंज क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसे होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमें देना होगा, कंप्लीट होने के बाद हमें सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटाइल रैंक कैसे होगा और कैसे ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमें अगर स्कॉलरशिप की ज़रूरी है, स्कॉलरशिप मिलना ज़रूरी है, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है। ये सभी सवाल आपके दिमाग में जो है उसका पूरा का पूरा जवाब और पूरे जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों को मेरी दरख्वास्त है, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, और आप अगर इस चैनल में नए हो, अब तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमिक इनसाइट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास अपने आप आते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू कर देते हैं आज का ये वीडियो। उसके पहले आपसे एक दरख्वास्त है, ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपके पूरे सवाल, आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो हम बना रहे हैं IIM अहमदाबाद के बारे में। तो जो ये IIM अहमदाबाद है, ये भारत का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस का संस्थान है जो 1961 में प्रस्तापित किया गया और स्थापित किया गया हुआ ये संस्थान है। NIRF रैंकिंग के हिसाब से इसको रैंक वन किया गया है, रैंक वन नंबर वन दिया गया है। और जहाँ तक इसके पूरा कैंपस साइज की बात है, ये जो कैंपस है IIM अहमदाबाद का 102 एकड़ में ये कैंपस पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे पूरा एजुकेशन दिया जाता है। जहाँ तक कोर्सेज की बात है इस इंस्टीट्यूशन में, IIM अहमदाबाद में पूरे 10 कोर्सेज यहाँ पे रन किए जाते हैं। 10 कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किए जाते हैं जिसमें मैनेजमेंट का डिग्री MBA है और साथ ही में कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं। तो 10 कुल मिला के 10 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। साथ ही में जब हम फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फीस का रेंज है वो 10 लाख से लेकर 27 लाख तक यहाँ पे फीस चार्ज किया जाता है। ये जो आंकड़े हैं इनमें बदलाव हो सकता है, ये पिछले साल के आंकड़े हैं, आने वाले ईयर में इसमें कुछ बदलाव होना हो सकते हैं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, यहाँ पे अगर हमें कोई भी मैनेजमेंट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो हमारे पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। अगर उसके लिए भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 50% मार्क्स डिग्री के लिए होना ज़रूरी है। अगर हम कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। जहाँ तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सवाल है, अगर IIM अहमदाबाद में हमें एडमिशन लेना है तो कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो वहाँ पे 3 एग्ज़ाम्स एक्सेप्टेड हैं, CAT, GRE एंड GMAT। ये तीनों में से अगर आप एक भी एग्ज़ाम देंगे और क्लियर करेंगे और परसेंटाइल लेके आएंगे तो आपको ज़रूर वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जहाँ तक हाईएस्ट सैलरी पैकेज का सवाल है, अगर हम पिछले साल के आंकड़े देखेंगे 2020 के, तो डोमेस्टिक इंडिया में इसका हाईएस्ट पैकेज चला गया है 55.88 लाख पर एनम, और अगर हम विदेश की बात करेंगे तो विदेश में 132 लाख पर एनम का पैकेज अब तक ऑफर हुआ है। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से हमें ये पैकेज समझ आ सकता है।
जहाँ तक हॉस्टल फैसिलिटी का सवाल है तो क्या हॉस्टल फैसिलिटी कैंपस में ही लोगों को प्रोवाइड की जाती है? और जब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो जो सिलेक्शन होता है कोर्सेज़ के लिए जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलोड बाय GDNPI। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, शायद वो कैट हो, GRE हो और कोई GMAT हो, उसके मार्क्स प्लस GD के मार्क्स प्लस PI के मार्क्स कुल मिला के आपका एंड सिलेक्शन प्रोसेस होगा और पूरे मिला के वहाँ पे कंसिडर किए होंगे और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तीन चीज़ें वहाँ पे कंसिडर की जाती हैं, आपके एंट्रेंस के मार्क्स, GD के मार्क्स, PI के मार्क्स। और जहाँ तक ओवरऑल परसेंटाइल रैंक PT फॉर जनरल कैटेगरी का सवाल है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आपको पूरा देखना है तो आप साइट विजिट कर सकते हो, वो है 80 परसेंटाइल के बेसिस पे ये पिछले साल एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए। इस साल इसमें बदलाव होने की पॉसिबिलिटी है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ऑफर किया जाता है। जो नीडी लोग हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए IIM अहमदाबाद स्कॉलरशिप भी देता है। तो ये है आज का वीडियो जो हमने बनाया था IIM अहमदाबाद के बारे में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिलते रहेंगे। अगर सच्ची में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो वीडियो है आपके दोस्तों में या फिर रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कमेंट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है उसमें कमेंट लिखना ज़रूरी है, कमेंट लिखना लिखिएगा, ताकि हम आने वाले वीडियोस को और भी बेहतर बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।